शूटरों ने थार पर करीब 30 गोलियां बरसाई, जिनमें से सिद्धू के 7 गोलियां लगी। उसी दिन शाम 6 बजे दिल्ली की तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई के पास कथित तौर पर एक सिग्नल ऐप से फोन आता है और लॉरेंस को सिद्धू की मौत की खबर दी जाती है। लंगोट पहने लॉरेंस एक मेज और कुर्सी के सामने फर्श पर बैठा था और गाने के इंट्रो में कहा गया है कि यह सिर्फ गाना नहीं बल्कि किसी के चेहरे पर तमाचा है, और बड़े ही आराम से कह देता है कि शत्रु के शरीर से मेरी लड़ाई थी, उसकी आत्मा तो अपरमात्मा में विलीन हो चुकी है। जब उसको उसका मकसद पूछा गया तो उसने बताया कि उसका मकसद तो है सलमान खान को मारना। तो माँ ने एक अंग्रेज अधिकारी हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस के नाम पर नाम रखा लॉरेंस। लॉरेंस छात्र संघ का चुनाव लड़ा था जिसमें वह हार गया। उस हार ने लॉरेंस की जिंदगी बदल दी। इन सब के बाद जो देश में माहौल बना है वह लॉरेंस के खिलाफ कम बल्कि उसके पक्ष में ज्यादा है कि सिद्धू को गोली मारने वाले शूटरों में एक 18 से 19 साल का भी लड़का है। 29 मई 2022 की वह उमस भरी लेकिन मनहूस शाम ढल रही थी और पंजाब के गांव मूसा से थोड़ी बाहर बनी हवेली से तीन दोस्त अपनी महिंद्रा थार लेकर निकले थे। थार की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे पंजाबी के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला, उनकी बगल में बैठा था उनका चचेरा भाई गुरविंदर सिंह और पिछली सीट पर बैठा था दोस्त गुरप्रीत। हवेली से निकलने ही वाले थे कि सिद्धू की माँ चरण कौर कहती हैं कि गार्ड ले जा पुत्र, नहीं था फॉर्च्यूनर ले जा। लेकिन सिद्धू अपनी माँ का कहा अनसुना करते हुए कहता है कि छोटी सी तो राइड है और वैसे गुरी और गुरविंदर साथ ही है, चौथी सवारी के लिए थार में जगह नहीं है। ऐसा कहकर सिद्धू 8 किलोमीटर दूर मौसी के घर खारा बरनाला की ओर निकल पड़ता है। घर की चार दीवारी पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सिद्धू को 5:15 बजे घर से निकलते हुए आखिरी बार कैद किया था। सिद्धू की मां उसे फॉर्च्यूनर ले जाने के लिए इसलिए कह रही थी क्योंकि उस गाड़ी पर सिद्धू ने 22 लाख रुपए खर्च किए थे। वह गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी क्योंकि उसकी खिड़कियों में 40 मिलीमीटर चौड़े शीशे लगाए गए थे जो किसी भी तरह की गोली रोकने का मादा रखते हैं, और गाड़ी के भीतर मजबूत लोहे की चादरें लगाई गई थी जो उसे चलता फिरता एक टैंक बना रही थी। सिद्धू को मिल रही धमकियों के कारण उसे इस तरह बनाया गया था। हालांकि सरकार ने सिद्धू को 4 गनमैन दिए थे लेकिन ठीक एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने 2 गनमैन को वापस बुला लिया था। तो इस तरह बिना गार्ड और बिना यह फॉर्च्यूनर गाड़ी लिए सिद्धू मौसी के घर की ओर रवाना हो जाता है। जब मौसी का घर करीब 2 किलोमीटर ही दूरी था तभी गुरी को थार का पीछा करती एक बोलेरो दिखाई देती है। वह सिद्धू को बताता है लेकिन सिद्धू को फेन की संभावना बताकर बात को टाल देता है। तभी एक सफेद रंग की कोरोला कार बोलेरो को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ती है और उस कोरोला कार ने थार को रुकने के लिए मजबूर कर दिया। कोरोला की को ड्राइवर सीट पर बैठे एक शूटर ने एक असोल्ट राइफल निकालकर थार पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से महिंद्रा थार दहल उठी। ड्राइवर सीट पर बैठे सिद्धू ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई लेकिन सब की सब बेअसर रहीं। शूटरों ने थार पर करीब 30 गोलियां बरसाई जिनमें से सिद्धू के 7 गोलियां लगी और वो पहली गोली लगने के 15 मिनट बाद ही मौत की शिकार हो गए थे। सिद्धू के शरीर पर 19 घाव थे जिन्होंने सिद्धू को फिर से संभलने का मौका नहीं दिया और उनके ही लिखे और गाए ये अल्फाज सोशल मीडिया के आकाश में गूंज उठे। सिद्धू की हत्या के 1 घंटे बाद गोल्डी बराड़ नाम के एक गैंगस्टर की फेसबुक पोस्ट आती है जिसमें इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली जाती है और कहा जाता है कि विक्की मद्दुखेड़ा और गुरलाल बराड़ की हत्या में सिद्धू की इन्वॉल्वमेंट के कारण लॉरेंस बिश्नोई, सचिन बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ग्रुप द्वारा इसे मारा गया है। उसी दिन शाम 6 बजे दिल्ली की तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई के पास कथित तौर पर एक सिग्नल ऐप से फोन आता है और लॉरेंस को सिद्धू की मौत की खबर दी जाती है। IPS अधिकारी हरगोविंदर सिंह धालीवाल लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करने पहुंचते हैं। लंगोट पहने लॉरेंस एक मेज और कुर्सी के सामने फर्श पर बैठा था। धालीवाल ने पूछा कि आपने यह क्यों किया तो लॉरेंस ने जवाब दिया कि सिद्धू ने हमारे बड़े भाई और हमारे गुरु
विक्की मधुखेड़ा की हत्या में भूमिका निभाई, इसलिए उसको मारा। लेकिन आप उसके गाने सुनिए, उसके गानों से पता चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। उसने हमारे दुश्मन बम्बिहा की स्तुति में गाना गाया और गाने के इंट्रो में कहा गया है कि ये सिर्फ गाना नहीं बल्कि किसी के चेहरे पर तमाचा है, तो हमने उस थप्पड़ का जवाब दिया है। हाँ जी वर्तमान जी, सानू बम्बिहा बोले गाने दे विच सुनन नु की कुछ मिल सकदा? देखो जी, असीं तां एक गाना ही लिखिया और कईयां दे बजना लफड़े वांगू। दविंदर बम्बिहा एक गैंगस्टर का नाम है। जब वो जीवित था तब लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन था, तो लॉरेंस को लगता था कि सिद्धू मूसेवाला उसकी एंटी गैंग बम्बिहा गैंग को सपोर्ट करता था। लॉरेंस ने ठीक ऐसा ही एक इंटरव्यू में कहा जो उसने एबीपी के पत्रकार जगविंदर सिंह पटियाल को जेल में बैठकर दिया था। इस इंटरव्यू के बाद तहलका मच गया और जेल से जुटकर इंटरव्यू देने की हरकत के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। लेकिन इस इंटरव्यू में लॉरेंस सिद्धू की हत्या पर कोई अफसोस न जताकर उसको प्रभु की लीला बताता है और बड़े ही आराम से कह देता है कि शत्रु के शरीर से मेरी लड़ाई थी, उसकी आत्मा तो अपरमात्मा में विलीन हो चुकी है। जब उसको उसका मकसद पूछा गया तो उसने बताया कि उसका मकसद तो है सलमान खान को मारना, लेकिन सवाल है आखिर क्यों मारना है सलमान को। इसकी जड़ें बिश्नोई समाज के इतिहास में छुपी है। बिश्नोई समाज के संत जम्बेश्वर जी ने 27 साल गायें चराई थी। वो जीव प्रेमी थे और शुद्ध शाकाहारी थे। हम अगर जम्बो जी की फोटो भी देखेंगे तो उसमें गाय और मोर है, एक हिरण भी दिखाई देता है। बिश्नोई समाज न केवल जीवों के कत्ल के खिलाफ है बल्कि हरे वृक्षों के कटने के बदले खुद को कटवा देने का भी उनमें संकल्प है। अमृता देवी की कहानियां हम पढ़ सुनकर बड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह गुरु जम्बेश्वर जी ने 29 नियम बनाए थे, यानी बिश्नोई। इस पद पर उनके फॉलोअर्स का नाम पड़ा बिश्नोई और आज यह समाज बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। इस समाज में काले हिरणों को लेकर काफी आस्था है जो उसे उसकी परंपराओं से मिली है। साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान राजस्थान आए थे। उसी दौरान उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने शिकार के दौरान काले हिरण का शिकार किया था। उसके बाद उन पर काले हिरण को मारने का मामला दर्ज किया गया और यह केस बरसों तक चला। लंबी चली इस कानूनी लड़ाई में कुछ गवाह मुकर गए, कुछ लापता हो गए, कुछ मर गए, लेकिन वो मामला आज भी 22 साल से बदस्तूर चल रहा है और सलमान खान जमानत पर बाहर हैं। जब सलमान खान पर काले हिरण को मारने का मामला दर्ज हुआ था तब लॉरेंस बिश्नोई की उम्र महज 5 से 6 साल की थी। लॉरेंस का जन्म पंजाब के फाजिलका जिले के गांव दानतारा वाली में हुआ था। दिन था 22 फरवरी 1992। लॉरेंस बिश्नोई ठीक ठाक परिवार से था। पिता कांस्टेबल की नौकरी करते थे, कुछ कहते हैं कि नहीं करते थे, खेती ही करते थे। कई एकड़ जमीन थी और करोड़ों की संपत्ति थी। महंगे कपड़े और जूते पहनने का शौकीन था और उजले रंग का था तो माँ ने एक अंग्रेज अधिकारी हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस के नाम पर नाम रखा लॉरेंस। वैसे लॉरेंस का असली नाम बालकरण था जो आगे चलकर लॉरेंस हो गया। पढ़ाई में तेज लॉरेंस ने अबोहर से स्कूली शिक्षा हासिल कर 2010 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उसकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ पर आ गई। लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन सोफू का दामन थामा और वह छात्र राजनीति में कूद गया। लॉरेंस छात्र संघ का चुनाव लड़ा था जिसमें वह हार गया। उस हार ने लॉरेंस की जिंदगी बदल दी और विपक्षी गुट के साथ तकरार चलने लगी और आपस में लड़ाई झगड़े भी होने लगे। 2010 से 2012 के बीच चंडीगढ़ में उसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ने लगी और छात्र राजनीति में रहते हुए उस पर हत्या के प्रयास, अवैध घुसपैठ, मारपीट और रकेती जैसे मामले दर्ज हुए और उसे जेल भेज दिया गया। कुल 7 मामले चंडीगढ़ में दर्ज हुए थे जिनमें से 4 में वह बरी हो चुका है और 3 अभी भी पेंडिंग है। इन दिनों भी लॉरेंस बिश्नोई के वही साथी थे जिनका नाम इन दिनों लिया जाता है, विक्की मधुखेड़ा, गोल्डी बराड़, संपत नेहरा। विक्की मधुखेड़ा से लॉरेंस की गहरी दोस्ती थी, उसे वह अपना बड़ा भाई मानता था, गुरु की तरह मानता था। संपत नेहरा का रोल अभी आगे आने वाला है, थोड़ा आप इंतजार कीजिए। जेल में रहते हुए लॉरेंस ने अन्य कैदियों के साथ मिलकर अपने गैंग का निर्माण किया। जेल से रिहा होते ही उसने हथियार डीलरों से संपर्क बढ़ाया और पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी गैंग के साथ आपराधिक गतिविधियों में तेजी ला दी। इसके बाद वह शराब तस्करी, हथियारों की खरीद फरोख्त और हत्या जैसे कई अपराधों में लिप्त हो गया। 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ हुई एक खतरनाक मुठभेड़ के बाद लॉरेंस को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया। जेल में उसकी मुलाकात रोकी नाम के गैंगस्टर से हुई जो बाद में नेता भी बना, जिसने लॉरेंस बिश्नोई को और मजबूत बनाया। रोकी की 2016 में हत्या हो गई, लेकिन लॉरेंस ने अपराध का साम्राज्य था उसको भरतपुर से चलाना जारी रखा। जनवरी 2018 में लॉरेंस बिश्नोई को जबरन वसूली और सलमान खान को मारने की धमकी देने के एक मामले में जोधपुर अदालत में पेश किया गया। यहाँ अदालत के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए लॉरेंस ने जो कहा
मैं उस वक्त सुर्खियां बन गया। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी? नहीं, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी कोई मंशा है क्या भागने की? नहीं, मंशा नहीं है। जो मंशा हुई तो भाग भी जाएंगे। उसके बाद संपत नेहरा ने मुंबई जाकर सलमान खान के घर की रेकी की और सलमान खान को मारने की पूरी कोशिश की। यह बात तब पता चली जब किसी और मामले में संपत नेहरा को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। तब गहन पूछताछ के बाद संपत नेहरा ने यह बात भी कबूली कि उसने सलमान खान के घर के सामने रूम लिया था और सलमान खान पर पूरी नजर रखी थी क्योंकि वह लॉरेंस के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा था। लॉरेंस का मानना है कि सलमान ने उसकी आस्था को ठेस पहुंचाई, उसने समाज से माफी तक नहीं मांगी, इसलिए वह सलमान खान के अहंकार को तोड़ना चाहता है। वह सलमान खान को एक ही कीमत पर बख्श सकता है अगर सलमान खान बीकानेर के पास मुकाम जाकर बिश्नोई के मंदिर में माफी मांग ले, उसके बाद सलमान खान को माफ कर दिया जाएगा, वरना उसके वह टारगेट पर ही रहेगा। 2021 में लॉरेंस को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत तिहाड़ जेल दिल्ली भेज दिया गया, जहां से वह वॉइस ओवर आईपी कॉल्स के माध्यम से अपनी गैंग को ऑपरेट करता रहा। 2013 में गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने उसे ड्रग तस्करी के मामले में साबरमती सेंट्रल जेल में ले जाया गया, जहाँ उसे एक हाई सिक्योरिटी वार्ड में आज भी रखा गया है। अक्टूबर 2024 में लॉरेंस की गैंग ने महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली, यह कहते हुए कि उनका सलमान खान के साथ गहरा रिश्ता था। इस हत्या ने फिर से लॉरेंस की खतरनाक छवि को सबके सामने ला दिया है और सलमान खान की सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। लेकिन यही नहीं, बीच में उन्होंने और भी हत्याएं करवाई हैं, जैसे सुखदेव गोगामेडी की हो गई, और भी हत्याएं हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की वजह से कनाडा और भारत के रिश्ते पाकिस्तान से भी खराब हो चुके हैं। इन्हीं दिनों कनाडा की पुलिस ने आरोप लगाया कि लॉरेंस गैंग जैसे लोगों का इस्तेमाल करके भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडा के अंदर खालिस्तान समर्थकों को निशाना बनाया है, कई हत्याएं करवाई है। यहां तक कि भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडा के अधिकारियों के बीच सिंगापुर में इस मामले पर बातचीत की खबरें सामने आई हैं और दोनों ही देशों के राजदूतों को अपने अपने देश वापस भेज दिया गया है, जो कि कनाडा और भारत के बीच तीखे टकराव का कारण बना है। लॉरेंस की गैंग में कथित तौर पर 700 से ज्यादा शूटर हैं, जो भारत के 5 राज्यों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं। इन सब के बाद जो देश में माहौल बना है वह लॉरेंस के खिलाफ कम बल्कि उसके पक्ष में ज्यादा है। इन दिनों लॉरेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है और देश में भी बेतहाशा लोकप्रियता हासिल कर रहा है, लेकिन इस लोकप्रियता के मूल में हिंदू डॉन की छवि काम कर रही है। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, टाइगर मेमन, अबू सलेम और अतीक अहमद जैसे लोगों के किस्से कहानियां सुनकर बड़ी हुई पीढ़ी को लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती ताकत शायद थोड़ी राहत दे दी है, क्योंकि आदमी शक्तिशाली की मन ही मन पूजा करता है, क्योंकि वह खुद तो बाल बच्चों में उलझा है। उसको ऐसा हीरो चाहिए जो किसी से भी भिड़ने का मादा रखता हो, क्योंकि वह हजार बार ईमानदारी और सच की कहानियां सुनाता रहे, लेकिन दुनिया का चाल चलन देखकर वह अंदर ही अंदर मानने लग जाता है कि घी तो टेढ़ी उंगली से निकलता है, लोहे को लोहा ही काटता है। इसलिए वह अपने पक्ष की आक्रामक छवियों को मीठे मन से याद करता है, मीठे मन से ही देखता है। तो इन सालों में भले ही सिद्धू की लोकप्रियता का कारण हो, भले लॉरेंस के प्रभाव का कारण हो, दोनों ही मामलों में एक ही कारक काम करता है, लेकिन मेरा मानना है कि यह फिसलन है, यह एक अंधेरी सुरंग है जिसका कोई छोर नहीं है। मोबाइल में रील देखना और बारूद की गंध के साथ सीना चीरती गोलियां सहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम भले कितनी ही फैंटेसी में जिए, मगर हकीकत बेहद ठोस है। भगत सिंह जन्मे लेकिन पड़ोस के घर में, यह प्रवृत्ति हम सब पर भारी है। लॉरेंस की लोकप्रियता के पीछे गहरा मगर अनूठा मनोविज्ञान यही है। आपको हैरानी होगी कि सिद्धू को गोली मारने वाले शूटरों में एक 18 से 19 साल का भी लड़का था, उसका नाम है अंकित सिरसा। वह लॉरेंस गैंग में बस इसलिए शामिल हो गया क्योंकि वो लॉरेंस की कहानियों से प्रभावित था और वह भी चाहता था कि उसकी भी वैसी ही चर्चाएं हों, लोग कहानियों में याद करें जैसा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में होती है। लेकिन इस कारण वो इस गैंग के संपर्क में आया और उसने दोनों हाथों से गोलियां चलाई और सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 6 शूटर शामिल थे, जिनको 4.5 लाख रुपए दिए गए थे। एक जने को मात्र आते हैं 75,000 रुपए हिस्से। ये कितना विडंबनापूर्ण और आश्चर्यजनक है। और इन लोगों में भी चिट्टे और अन्य दवाओं के नशे पर कुछ लोग निर्भर थे, जो बिना नशे के एक क्षण भी यह काम नहीं कर सकते थे। तो यह पूरा जो गैंगवार है, यह खून खराबे और नशे की अंधेरी दुनिया पर टिका है। इसमें एक बार कदम रख दिया गया तो वापसी असंभव है। लॉरेंस ने ठीक ही कहा है कि अब अच्छा बनकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो वापसी नहीं कर सकते,
क्योंकि इस राह पर आगे बढ़ जाने के बाद में मुड़ना आसान नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा काम पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक मिल जाएंगे, कुछ तरीके मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं ताकि हम इस काम को और बेहतर तरीके से कर पाएं। कंटेंट बढ़िया लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोच सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।